हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप जीके पढ़ना पसंद करते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगी और उसके साथ में जवाब भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी को भी दबा लें, क्योंकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल था, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब दिया है सौर्य, ओम प्रकाश शिवांग, आदित्य मेजगल मैथ, प्रिंस चौधरी, जीवन लाल, सुरेश, रश्मि, नीतू, जीतू, राजेश, मुआवसेरा। दोस्तों, इनको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल नंबर फर्स्ट है, वह क्या है जिसे औरत साल में एक बार ही खरीदती है? सही जवाब हो जाएगा राखी। सवाल नंबर दो है, किस देवता की मूर्ति शराब पी जाती है? सही जवाब हो जाएगा काल भैरव की मूर्ति। सवाल नंबर तीन है, जिम जाने वाले लोग अंडे का पीला भाग क्यों नहीं खाते हैं? दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोटापा ना हो इसीलिए। सवाल नंबर चार है, क्या आप जानते हैं कि किस देश में एक भी सिनेमा घर नहीं है? सही जवाब हो जाएगा भूटान देश में। सवाल नंबर पांच है, औरत अपनी पूरे जीवन काल में कितना किलो लिपस्टिक लगा लेती है? सही जवाब हो जाएगा लगभग 3 किलो। सवाल नंबर छह है, क्या आप जानते हैं कि किस जीव की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ की। सवाल नंबर सात है, मच्छर कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? दोस्तों, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सही जवाब हो जाएगा 50 फीट तक। सवाल नंबर आठ है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वहां पे पूछ सक। सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान ने। सवाल नंबर नौ है, इतिहास में सबसे ज्यादा किस जीव को काटने से मौत हुई थी? सही जवाब हो जाएगा मच्छर के काटने से। सवाल नंबर 10 है और सिंपल क्वेश्चन है, गाय की कितनी टांगें होती हैं? दोस्तों, जीके स्टडी अड्डा ब्लॉग्स पर न्यू ब्लॉग आ चुका है, देख लीजिए जाके, जिसने अभी नहीं देखा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट करने से पहले हैशटैग जीके स्टडी अड्डा लिखने के बाद अपना जवाब लिखें, तभी आपका नाम लिया जाएगा अगली वीडियो में। सवाल नंबर 11 है, क्या आप जानते हैं कि सबसे कम गाय किस देश में है? सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान देश में। सवाल नंबर 12 है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। सही जवाब हो जाएगा भारत देश के। सवाल नंबर 13 है, मोर का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? सही जवाब हो जाएगा 15 वर्ष का। सवाल नंबर 14 है, ऊंट के बाद सबसे कम और कौन सा जीव पानी पीता है?
सही जवाब हो जाएगा चूहा। सवाल नंबर 15 है, शेर का गर्भकाल कितने दिन का होता है? सही जवाब हो जाएगा 105 से 115 दिन तक। सवाल नंबर 16 है, किताबों की सबसे पुरानी दुकान कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा पोर्टुगल में। सवाल नंबर 17 है, सबसे ज्यादा वैलेंटाइन डे किस देश के लोग मनाते हैं? सही जवाब हो जाएगा अमेरिका देश के। सवाल नंबर 18 है, विश्व में सुअर की कितनी नस्ल होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 2 नस्ल होती हैं। सवाल नंबर 19 है, सबसे ज्यादा अमीर लोग किस देश में हैं? दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। सही जवाब हो जाएगा अमेरिका देश में। सवाल नंबर 20 है, क्या आप जानते हैं कि मच्छर के कितने दांत होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 47 दांत। सवाल नंबर 21 है, ऐसा कौन सा जीव है जो बिना खाए 3 दिन तक रह सकता है? सही जवाब हो जाएगा बिल्ली। सवाल नंबर 22 है, सबसे ज्यादा सुअर किस देश में है? सही जवाब हो जाएगा चीन देश में। सवाल नंबर 23 है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा मोबाइल चलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा भारत देश के। सवाल नंबर 24 है, कौन सा जानवर सबसे ज्यादा दूध पीता है? दोस्तों आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा क्वेश्चन लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सही जवाब हो जाएगा बिल्ली। सवाल नंबर 25 है, एक नदी का भी नाम है, एक फूल का भी नाम है, एक फिल्म का भी नाम है, एक हीरोइन का भी नाम है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब एक ही है, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंदाकिनी।